हाँ जवानों, तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं हम। आवाज ऊंची है, आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा होगा। लो जी, बेस कैंप की कंफर्ट और बेस कैंप के मजे के खाने छोड़ के जो है वो हम अब रियल क्लाइम की तरफ जाएंगे। लाला अनवर हमें सी ऑफ करेंगे। लाला, आपने हमारे लिए दुआएं करनी है। हम कामयाब लौटे, खैरियत से लौटे इंशाल्लाह। आज हमारा तीसरा दिन है और प्लान आज का ये है कि आज हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द एबीसी, जिसको हम एडवांस बेस कैंप कहते हैं। यहाँ से तकरीबन 450 मीटर ऊपर हाइट के ऊपर है, और क्योंकि हमारे पास कोई हेल्प नहीं है तो वज़न जो है वो सारा हम खुद ही उठा रहे हैं। ऑलमोस्ट 20 केजी हो गया है, और ऊपर जाके अभी कुछ सामान कल रख के आए थे वहाँ पे, वो भी जाके पिक करना है। तो इट्स काइंड ऑफ अ टफ जॉब टुडे, बट कल का रेस्ट डे लिया हुआ है तो इंशाल्लाह वो जो है वो हमें मदद करेगा ऊपर क्लाइम करने में, क्योंकि एनर्जी जो है वो वापस रिवाइव हुई है। या अल्लाह, हम एक मकसद को लेके इस कैंप से निकल रहे हैं आज। या अल्लाह, तू उस मकसद में हमारा हामी व नासिर हो जा। या अल्लाह, अपनी रहमत को हमारे साथ जो है ना वो कर दे। या अल्लाह, हमें अपने मकसद में कामयाब कर दे। या अल्लाह, हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। या अल्लाह, हम पे अपना रहम करना। बेस कैंप से निकलने के बाद तकरीबन जब हम एक घंटा पत्थरों के ऊपर हाइक करते हैं तो हम फलकसर नॉर्थ फेस का जो आइस फॉल है उसके बिल्कुल पैरों में पहुंच जाते हैं, और यहां से ग्लेशियर के ऊपर जो क्लाइंबिंग है वो स्टार्ट होती है। और इस आइस फॉल को हमने जो है वो बम्बू आइस फॉल का नाम दिया है। बम्बू आइस फॉल इंतहाई ख़तरनाक क्रेविसेस से भरी और एक खौफनाक चेहरा रखने वाली आइस फॉल है। मैंने कम से कम ज़िंदगी में इस तरह की आइस फॉल नहीं थी देखी, और मैं काफ़ी इसको ज़्यादा हैवी टेक्निकल पोर्शन ले रहा था, और मैं अहमद भाई को बार बार कह रहा था कि जब हम डिसेंड करेंगे तो आप हमें लाजमी यहाँ से लीड करेंगे। लास्ट टाइम जब हम प्रैक्टिस करने आए थे ऊपर ग्लेशियर के ऊपर, तो हमने चीज़ें कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़ की हुई थी कि जो चीज़ की जहाँ से ज़रूरत ख़त्म होती थी ना, वो हमने वहाँ पे डंप कर दी थी। तो ये वो जगह है ग्लेशियर के स्टार्ट पे जहाँ पे हमने क्रैम्पॉन और आइस एक्स का जो सिंगल वो है, सिंगल आइस एक्स है, वो हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया था बिल्कुल जहाँ से ग्लेशियर स्टार्ट होता है। और अब यहाँ से हम ये क्रैम्पॉन पहनेंगे और आइस एक्स उठाएंगे, और कुछ सामान वहाँ पे पड़ा है जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो तकरीबन मिड बनता है हमारे एडवांस बेस कैंप का। तो इस तरह हम जो है वो वज़न मैनेज कर रहे हैं अपना। आइस फॉल का जो लोअर पोर्शन है वो इतना ज़्यादा स्टीप नहीं है, और ना ही उसके अंदर इतनी ज़्यादा क्रेविसेज हैं, लेकिन फिर भी हम उसको जो है वो कम ख़तरनाक नहीं कह सकते, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आइस फॉल के राइट साइड पे जो है वो एक बहुत बड़ा हैंगिंग ग्लेशियर है, और वो हैंगिंग ग्लेशियर जो है वो टूटता रहता है, और टूट के उसके जो टुकड़े और जो आइस नीचे आके गिरती है वो बिल्कुल उस जगह पे गिरती है आके जो कि आइस फॉल का लोअर पोर्शन है, और हमने यहीं से गुज़र के जो है ना वो ऊपर जाना है एबीसी तक। तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि जितना जल्दी यहाँ से हो सके उतनी जल्दी निकल जाना चाहिए आगे।
चलते चलते थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है और उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहाँ पे सामान डंप किया था परसों। तो अब हम ये कर रहे हैं कि थोड़ी सी चाय बना कर पियेंगे और उसके बाद जो है वो फिर निकलेंगे आगे। आगे का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है तो वो और भी जो है ना वो हमारी लेने वाला है। मैम तो ये क्या कर रहे हैं यार? ये मैं आपको हॉट चॉकलेट पाउडर बना रहा हूँ। इस वक्त चम्मच नहीं है तो ये आइस एक्स हम काम आ रही है। देखें आप देख रहे हैं सोमवार क्या टेस्टी चीज़ आया है। पहाड़ों में हर चीज़ जायज़ होती है। I'm loving it. अच्छा अभी तक से निकल के ना आपने आगे जाना है। मैंने हाँ उसकी वजह यह है कि अब आपने ऑब्जर्व करना है कि क्रेविसेस किस पैटर्न में आ रही हैं। ठीक है। जहाँ पे शक हो हमजा से पूछो मुझसे पूछो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन इसके पैटर्न को फॉलो करना है। ये यहाँ पे शटलिंग हो सकती है। ठीक है। यहाँ तक ठीक है। इससे आगे पाओ कोशिश करो ना रखो, यहाँ रख के आगे रखना है। ओके। वो देख रहे हो पानी अंदर, वो देखो लेफ्ट पे। हाँ जी। यहाँ और आगे पूरा अपना करके बस। माउंटेनियरिंग या कोपेमाई जो है वो एक एवर ग्रोइंग स्किल सेट है। जब भी आप किसी पहाड़ पे जाते हैं तो वो पहाड़ आपको नए चैलेंजेस के साथ जो है वो वेलकम करता है और आप हर दफ़ा उस नए चैलेंजेस के साथ खुद को अलाइन करके उनसे कुछ सीख के अपना स्किल सेट इम्प्रूव करके जो है ना वो आते हैं। जैसा कि बम्बू आइस फॉल का जो स्टीप सेक्शन है उसके ऊपर लास्ट ईयर 2019 में हमने जो है वो रोप फिक्स की थी और सारे जो लोग थे वो उस फिक्स रोप के ऊपर ही जुमारिंग कर रहे थे। लेकिन इस साल जो है वो हम बड़े मज़े से उस स्टीप सेक्शन को जो है वो क्लाइम करते हुए जा रहे थे विदाउट एनी फिक्स रोप और कोई डर भी नहीं लग रहा था। हाँ एक जगह मुझे ज़रूर डर लगा था। ओ बैंस हाँ देखो इधर ऊपर नहीं जाना इस तरफ आओ। एक सेकंड ना नहीं इधर को हाँ। वही करने लगा डर लग रहा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हम पहुंच गए हैं इस वक्त एडवांस बेस कैंप और कैंप वगैरह लगाया है हमने यहाँ पे और अब जो है वो खाने पीने का जो है वो इंतज़ाम कर रहे हैं। हम नीचे से कुछ आलू और अंडे लेके आए थे तो अहमद भाई जो है वो उनको कुछ गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोटियाँ गर्म कर रहे हैं। ये गर्म हो रही है या नरम हो रही है? ये दबा कर रखो जरा। आलो जी रेस्क्यू वास्ते तैयार भी रहना। माल ज्यादा होना। ओए होए होए समझ गया। डैम चलो चुको चुक दियो चुक दियो चुक दियो।
चलो जी इन साइड से रख दो। अहमद भाई अभी अब उठे हैं और रात बहुत फिट गुजरी है, बस यही डर था कि ऊपर से कुछ ना बाकी नींद तो ऐसी कब आ रही है। टेंट ना नीचे चला हाँ वही रहा, तो कोई ऊपर से चीज़ को यार ला जाता तो लेके जाता रहा, या तो स्टेबल ही रहता। तो ऐसी मज़े की रात गुजरी है कि कल की थकावट जो है वो उतर गई है और अब हमें जो इंतज़ार है ना वो है धूप का। अहमद भाई ज़रा दिखाएं ज़रा। ओहो हो आ गई जी आ गई जी आ गई जी। हाँ 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 लो जी ये है हमारा तरीका पेशाब करने का। एक बंदा पीछे से पकड़ के रखता है और जो है वो दूसरा अपना कारनामा सा अंजाम देता है। आज का दिन जो है वो थोड़ा नॉर्मल होगा, लेकिन ये है कि रास्ते में जो क्रेविसेस हैं वो थोड़ी डेंजरस हैं, क्योंकि ये जो एरिया हमने क्रॉस करना है फॉलिंग गैलरी, एक तो वो रॉकफॉल एरिया है और दूसरा ये है कि उसके पास जो ग्लेशियर है वो बहुत फटा हुआ है। लास्ट टाइम जो हम आए थे तो तब देखा था, इस दफ़ा देखते हैं क्या कंडीशन होती है, तो हो सकता है वहाँ से हमें रोप अप होके निकलना पड़े। जब हमने एडवांस बेस कैंप से आगे कैंप वन की तरफ क्लाइंब करना स्टार्ट किया है तो हमें आइडिया था कि इस एरिया में जो है वो क्रेविसेस काफ़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि रात को जब हमने कैंप लगाया था तो काफ़ी हद तक चीज़ें नज़र आ रही थी। लेकिन जब हमने उस एरिया में क्लाइंब करना स्टार्ट किया है तो एक नाइटमेयर जो हमें जाके पता लगा वो ये था कि जो मोस्टली क्रेविसेस हैं वो हिडन क्रेविसेस हैं। अब उसमें मसला ये होता है कि ऊपर जो ब्रिज बना हुआ होता है क्रेविस के ऊपर वो फ्रेश स्नो का होता है और उसकी सॉलिडिटी को जो है ना वो आप कभी भी जज नहीं कर सकते कि अगर हम इसके ऊपर से गुजरेंगे तो क्या ये कोलैप्स करेगा या नहीं करेगा। तो उसमें बेस्ट स्ट्रेटजी यही होती है कि पूरी टीम जो है वो रोप अप कर ले ताकि एक बंदा अगर कहीं पे किसी गैप के अंदर गिरता है तो बाकी उसको जो है वो रेस्क्यू कर लें। नीचे देख ब्रिज वाली पोर्शन कैसा है, नीचे से जा सकते हो। बम्बू आइसफॉल को क्रॉस करके फलकसर के कैंप वन तक जाने के लिए बेसिकली जो है वो दो रास्ते हैं और ये जो दोनों रास्ते हैं ये ऑलमोस्ट दोनों ही जो हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग है। एक ऑप्शन ये है कि हम आइसफॉल का जो ड्रॉपिंग पॉइंट है उसको क्रॉस करते हुए ऊपर जो है वो कैंप वन की तरफ निकल जाएं, लेकिन उसमें मसला ये है कि जो ग्लेशियर का ड्रॉपिंग पॉइंट होता है वो हमेशा सबसे ज़्यादा क्रेविस्ड एरिया होता है, क्योंकि जब ग्लेशियर ड्रॉप होता है तो उसमें एक बेंड आता है, उस बेंड की वजह से वो ऊपर का जो पूरा आइस होती है वो क्रैक्ड हो जाती है और बहुत बड़ी बड़ी जो क्रेविसेस होती हैं वो फॉर्म्ड होती हैं। और जो दूसरी ऑप्शन है वो ये है कि आइसफॉल के टॉप लेफ्ट साइड पे जो है वो एक रॉक गैलरी है जिसको हम क्रॉस करके ऊपर कैंप वन तक जा सकते हैं और हमने जो है वो ये रॉक गैलरी वाला जो ऑप्शन है यही अडॉप्ट किया है और इसको हमने फॉलिंग गैलरी का नाम दिया है। वो इसलिए कि एक तो इसकी जो रॉक है वो बहुत ज़्यादा लूज़ है और हमेशा ही ऊपर से जो है वो रॉक फॉल होता रहता है, तो इसमें से जाना जो है वो एक तो लाइफ थ्रेटनिंग है और दूसरी बात यह है कि ये इतना ज़्यादा स्टीप बल्कि ऑलमोस्ट ओवरहैंग है कि जब आप इसको क्रॉस कर रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे ये आपके ऊपर गिर जाएगा, पूरा एरिया जो है वो ऐसे लगता है जैसे आपने सर पे उठाया हुआ, इतना उसका हैबत या उसका इतना ज़्यादा वज़न है। और इस एरिया में वापसी उतरते वक्त जो हमारे साथ हुआ है वो शायद मैं सारी ज़िंदगी जो है वो नहीं भूल सकता। हमने ऑलमोस्ट जो डेथ है उसको बाय इंचेस जो है वो एस्केप किया है यहाँ से उतरते वक्त।
जब डिसेंट कर रहे थे फाइनल डे, तो उस दिन रॉकिंग फॉलिंग गैलरी फलक सर का एक फीचर है, उधर से हम उतर रहे थे और मैं रोप रिकवर कर रहा था। रोप रिकवर करते करते कुछ फीलिंग आ रही थी, आप कह सकते हैं जैसे सुपरस्टिशियस फीलिंग, लेकिन उसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के वॉक के बाद हम क्रेविसिस को निगोशिएट कर रहे थे वापस उतरने के लिए, डिसेंड करने के लिए। मैं आगे लीड कर रहा था, अहमद भाई और अदनान भाई का फेस मेरी तरफ था और मैं पीछे देख रहा था। अब मेरे सामने फॉलिंग गैलरी थी और मेरे दोनों टीम मेट्स की बैक साइड पे थी। पहाड़ों पे हमारी अपनी आवाज़ों के अलावा जो भी आवाज़ें होती हैं वो आवाज़ें अब नॉर्मल साउंड होती हैं। उस हर आवाज़ को नोटिस करना और उस हर आवाज़ को तवज्जो देना लाजमी होता है। अब मुझे आवाज़ आ रही है ऊपर से, कोई ख़ास किस्म की आवाज़ आ रही है। मैं ऊपर देख रहा हूँ तो कुछ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन आवाज़ें आ रही हैं। कुछ देर के बाद अचानक से जैसे कोई धमाका होता है, पहाड़ फटता है और पत्थरों की अचानक से बारिश होनी शुरू हो जाती है। पत्थर हवा में उड़ रहे हैं और इतने इतने बड़े साइज़ का पत्थर, ज़िंदगी का मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने इतनी बड़ी रॉक फॉल देखी। मैं अपने साथियों को चिल्लाया हूँ यकदम से कि पीछे देखें, तो अहमद भाई ने यकदम से हेड डाउन की आवाज़ें दी हैं और मेरे दोनों साथियों ने एक क्रेविस जिसमें ब्रिज थोड़ा स्टेबल था उसमें छलांगे लगा दी हैं और मैं ऊपर ही देखता रह गया। वो एक ऐसा मोमेंट था कि जिसने मुझे हिला के रख दिया और अभी तक वो मेरी नज़रों के सामने वैसे ही चलता है जैसे उस वक़्त मैंने उस मंज़र को देखा।